नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश चुनावी चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं केश चौहान सर। जी हाँ, प्रदेश प्रवक्ता और जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के केश चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। सवालों की बौछार हम उन पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, बीजेपी ने सबसे पहले 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर उनको जनसंपर्क करने का काफी समय दिया, क्या घोषित प्रत्याशियों का बीजेपी के भीतर ही विरोध हो रहा है, जैसा कि कोरबा जिले के कटघोरा सीट पर विरोध हो रहा है? देखिए शाहिन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये 21 उम्मीदवारों की घोषणा करके अपना दमखम, अपना अपना एक क्लियर कट विजन दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में उतर रही है वो बहुत ही ज़्यादा दमखम से उतर रही है और जीतने के उद्देश्य से उतर रही है और उनकी जीत जो है वो लगभग तय है। दूसरी बात यह है कि सभी के उसमें महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, एक पर्सनल वो पर्सनल रहता है, लेकिन अंततः का तो हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी उस उद्देश्य के लिए लग जाता है जिस उद्देश्य से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी नहीं, विचारवादी है। एक विचारधारा के साथ, एक विचारधारा के लिए हम सत्ता में आते हैं, राजनीति करते हैं, तो हमारे को उस विचारधारा को आगे बढ़ाना ही हम सबका कर्तव्य रहता है। और अनुशासन भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, आप देखे होंगे। और दूसरी बात ये जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा जो विवाद की स्थिति आती है, तो विवाद की स्थिति वहाँ पर ज़्यादा आती है जहाँ विवाद की स्थिति आती है वहाँ पर जो टिकट डिक्लेयर होती है वो लेट से होती है। यहाँ पर तो हमने पहले ही टिकट डिक्लेयर कर दी है और सभी खुश हैं, कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। और सबसे मेन बात यह है कि ये 21 के 21 जो पार्टिसिपेंट चुने गए हैं वो जमीन से जुड़े गए हैं, और सिर्फ यहीं से नहीं, दूसरे भी विधानसभा से। यहाँ पर जैसे दुर्ग की बात आप कर ले, हम दुर्ग में बात करते हैं, तो हम दुर्ग में भी इस बात को चयन जो किया गया है उसको लेके हम लोग इतने उत्साहित हैं और इतने खुश हैं कि सही हकदारों को ही टिकट मिली है। तो जहां से मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पाटन से बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कबड्डी खेल के माहिर खिलाड़ी विजय बघेल राजनीति की बिसात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2008 की भांति पटकने दे सकते हैं? शाहिन जी, उनका नाम ही विजय है, और पटकनी की जहां तक सवाल है तो पटकनी देते नहीं है, वो पटकनी जोर से देते हैं। यहां पर विजय होने का सवाल नहीं है विजय बघेल जी का, यहां पर मार्जिन का सवाल है। जैसे कि उन्होंने पहले भी इतिहास रचा हुआ है, जब वो 2019 में जब वो लोकसभा में विजय हुए तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मार्जिन से जीतने वाले वो ये दुर्ग की सीट थी, और देश में टॉप 10 पे ज्यादा मार्जिन जीतने वालों में विजय बघेल जी का नाम शुमार है। तो और विजय बघेल जी का जो वोट ऑफ परसेंटेज था पाटन में जब वो चुनाव लड़े थे, तो आप वो देख लीजिए, वो दर्शाता है कि कैसे विजय बघेल जी उनके मतलब धरातल से जुड़े हुए, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। और विजय बघेल जी का जो संबंध है सभी से, वो बहुत ही प्रेमपूर्वक रहा है, और उन्होंने उस क्षेत्र के लिए काम भी किया है, सभी पूरे दुर्ग जिले के लिए काम किया है, इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से जीत मिलेगी। और ये मायने नहीं रखता है कि सामने कौन खड़ा है, क्योंकि नाम से ज़्यादा काम को तवज्जो दिया जाता है, और काम हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि आपकी विफलताओं का काम हम देख रहे हैं, आपकी धोखेबाजी का हम काम देख रहे हैं, हम आपके जो जो भ्रष्टाचार का है वो काम देख रहे हैं। तो इससे पाटन की जनता भूपेश बघेल जी से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, और कांग्रेस को इस बार सफाया करना वहाँ पर से बहुत लाजमी हो गया। लेकिन मेन बात यह है कि वो मार्जिन जीतेंगे तो हम ही, लेकिन कितनी मार्जिन से जीतेंगे ये क्वेश्चन है।
लगातार हमसे जुड़े हैं चौहान सर। और चौहान सर, हमारा अगला सवाल मतलब तीसरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सांसद विजय बघेल ने पाटन की शराब दुकान से शराब बिक्री को लेकर बड़ा आंदोलन किया था, क्या इस चुनाव में शराब भी एक प्रमुख मुद्दा होगा? देखिए, शराब ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा मेन ये है कि आप जनता को जनता समझते ही नहीं है। आपने जो वादे किए 36, उसमें से आपके मुख्य उप मुख्यमंत्री ही बोलते हैं कि 12 वादों में अभी काम चल रहा है और 12 वादे अभी तक हमने छुए नहीं है, जिसमें से सिर्फ एक शराब का मुद्दा नहीं है, आपके अनियमितता कर्मचारी का मुद्दा है, 1500 वृद्धा पेंशन का मुद्दा है, विधवा पेंशन का मुद्दा है, स्व सहायता समूह की महिलाओं के महिलाओं का मुद्दा है, 22,000 जो आपने रेडी टू ईट की महिलाओं को बाहर निकाल दिया है, उनका रोजगार छीना है, वो मुद्दा है। मुद्दे बहुत सारे हैं, आपके 200 फूड पार्क कहां पर हैं, आपने 10 लाख युवाओं को जो वादा किया था 2500 देने का, 1,16,000 के आसपास आप दे रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। और संपत्ति कर आपने बोला था कि आधा हो जाएगा, उसमें यूजर चार्जेस और आपने बढ़ा दिया, आपने बोला था बिजली बिल हाफ करेंगे, उसमें से 400 यूनिट तक आपने आज जाके रोक दिया, मुद्दे बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार है साथ में। और तो सिर्फ यही नहीं, आपने 8 लाख लोगों के गरीबों की छत छीनी है, छत। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके आज कांग्रेस शर्मसार है, और कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो मुद्दे आज आपने शराबबंदी की जो बात बोल रहे हैं आप, तो शराबबंदी में आपने 120 दुकानें और खोल दी, आपने घर घर पहुंचा के शराब दे दी, आपने अभी रोड के बाजू में ओपन बार खोलने की अनुमति दे दी। तो ये सब मुद्दे जो हैं, शराब एक तरफ आप बंद कर रहे थे, रोकने के लिए बोल रहे थे, और आप इस ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसलिए जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी शराब के मामले में। चौहान सर, मेरा चौथा सवाल आपसे यह है कि कलेक्टर की नौकरी छोड़कर भाजपा की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश चौधरी का नाम पहली लिस्ट में नहीं आने पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा था कि खरसिया से ओपी चौधरी का पत्ता साफ हो गया। इस पर बीजेपी के टॉप लीडरों की ओर से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई, प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल ये नहीं है कि ओपी चौधरी जी कहां से उतरेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि भूपेश बघेल जी को अपने प्रदेश के कार्यों को देखना चाहिए, और वो ताकाझाकी कर रहे हैं क्योंकि खलबलाहट है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ कहाँ रहेगा और कहाँ क्या करेगा, कैसे हमारे को पटकनी दे रहे हैं, उनको हमारी रणनीति के ऊपर भरोसा भी है और मतलब उसमें वो जानना भी चाहते हैं कि आप इनको कैसे यूज़ करेंगे, दूसरे नेताओं को कैसे यूज़ करेंगे, तो ये सब चाहना है वो अंदर से उगलवाना चाहते हैं। लेकिन हमारी रणनीति हमारी है, और हम जो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा जनप्रतिनिधि, कौन सा पदाधिकारी, कौन सा कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा और कैसे काम करेगा, वो डिसाइड करेगी। और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बहुत ज़्यादा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम मिले, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, हमारी जो विचारधारा है उसके प्रति अग्रसर होना। अब हम कहीं भी खड़े होके कहीं भी कुछ काम करके उसके लिए हम उसका हिस्सा बने, यही हमारा प्रयास रहता है, और यही ओपी चौधरी जी का भी प्रयास है कि वो उनको जो पार्टी बोलेगी वो दायित्व उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी हर कार्यकर्ता इस चीज को अगर मान लो टिकट भी मिलती है तो वो अपना दायित्व समझ के उसको काम करता है, ना कि पद सोच के काम करता है। मेरा पांचवा और अंतिम सवाल चुनावी चर्चा में आपसे ये है कि बहुत साल बाद भिलाई में प्रदेश सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन में सभी गुटों के बड़े नेताओं को एक साथ मंच पर देखा गया, इसे कैसे देखा जाएगा? और बताएंगे कि संगठन के दबाव के कारण यह लगभग 4.5 साल तक सत्ता से दूर रहने का गम नेताओं को एक मंच पर आने पर मजबूर कर दिया है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी, हर जन हर नेता अपने अपने कार्यों में लगा रहता है। जैसे कि कोई हमारी पार्टी का काम आता है तो उसको बहुत ही ज्यादा स्थानों में करना रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान में सभी लोग कर रहे हैं। तो ऐसे करके जब दूसरे पहले भी कार्यक्रम आते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम काम करते रहे हैं, हमारे नेता काम करते रहे हैं, तो उनको अलग अलग दायित्व, अलग अलग क्षेत्रों का दायित्व, अलग अलग जगहों में जाने का, अलग अलग काम करने का दायित्व मिलता रहा है। ये संयोगवश आज एक ही मंच में आने का दायित्व मिला और एक ही मंच में आने का सौभाग्य हुआ, तो वो एक ही मंच में है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद हो, जो विचारधारा हम लेके पहुंचे हैं, जो जिसका जिस लक्ष्य के लिए हम अपना भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारे सभी नेता उसी चीज में लगे रहते हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि कोई किसी का करीबी होता है, कोई किसी का करीबी होता है, इसको गुटबाजी नहीं बोलते। हो सकता है हमारे हम अपने परिवार में भी कोई माँ का ज्यादा करीबी होता है, कोई बहन का ज्यादा करीबी होता है, कोई पिताजी का ज्यादा करीबी होता है, तो उसको गुटबाजी नहीं बोली जाती। गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखती है, नाम पे नहीं, और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो राजनीति करती है। जो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, इसीलिए किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता इंसान, किसी विचारधारा के साथ जुड़ता है, किसी सोच के साथ जुड़ता है। इसी सोच के साथ इसीलिए आज 18 करोड़ के आसपास हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे वर्ल्ड में, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो सवालों की झड़ी हमारी आप पर बरस पड़ी, आपने सभी सवालों के जवाब काफी बेबाकी से दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।